नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भूपेन तिवारी और ये आप देख रहे हैं ये हमारा खेत है। ये गन्ने की फसल है और इस फसल में पिछले 3 सालों से जो है किसी भी प्रकार का रासायनिक खाद, कीटनाशक, जंतुनाशक, फफूंदी नाशक, फंगीसाइड, किसी भी प्रकार का रासायनिक खाद का उपयोग नहीं किया गया है पिछले 3 सालों से। 3 सालों से इसमें जो है जिस खाद का उपयोग किया जा रहा है उसका नाम जो है ये है IMC का एग्रो ग्रोथ बूस्टर। क्या नाम है? IMC का एग्रो ग्रोथ बूस्टर। डियर फ्रेंड, देखा जाए तो ये क्या है, रासायनिक तरीके से नहीं बल्कि जो है ये जैविक तरीके से ये खाद तैयार की गई है, जिसमें जो है नीम है, एलोवेरा है और लेहवेरी है, इस तरीके से कई, और गौमूत्र है, इस तरीके से कई जड़ी बूटियां इसमें ऐड कर गई हैं, इसी का इस्तेमाल होता है इसमें। और इसी के साथ साथ देखा जाए तो एक प्रोडक्ट हमारे पास और है जिसका नाम जो है एग्रो एक्टिवेटर है, एग्रो एक्टिवेटर। तो डियर फ्रेंड, ये एग्रो एक्टिवेटर क्या काम करता है? एग्रो एक्टिवेटर क्या है कि किसी भी प्रकार की आप खाद डाल रहे हैं, कीटनाशक डाल रहे हैं, फफूंदी नाशक डाल रहे हैं, कोई भी आप चीज़ डाल रहे हैं तो उसमें जब इसको आप ऐड कर देते हैं तो वो स्प्रेड करता है, बहुत ज़्यादा फैला देता है। यानी आप सिंचाई भी करते हैं तो सिंचाई में भी अगर आपका 5 घंटे सिंचाई हो रही है और इसका इस्तेमाल आप करेंगे तो कुछ न कुछ समय आपका कम हो जाएगा और जो भी खाद डाल रहे हैं उसकी भी मात्रा थोड़ा कम हो जाएगी। तो चलिए हम आपको आज बताते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। इसका इस्तेमाल करना है, आपके पास एक टंकी होनी चाहिए, टंकी लगभग 15 लीटर की होती है जिसमें हमारे पास जो है एग्रो ग्रोथ बूस्टर। इसका इस्तेमाल कितना करना है? इसका इस्तेमाल कम से कम एक टंकी में लगभग जो है कम से कम 30 ml करना है दोस्तों, कम से कम 30 ml। अभी देखा जाए तो ये ढक्कन है, इसमें 50 ml का ढक्कन मिला हुआ है, इसलिए जो है आप इसको जो है इस तरीके से इसमें डाल सकते हैं। लगभग देखा जाए तो क्या है 15 लीटर की टंकी में आप 30 ml जो है एग्रो ग्रोथ बूस्टर आप ऐड कर देते हैं। तो ये देखा जाए तो क्या है, आपने इसमें क्या है लगभग 30 ml एग्रो ग्रोथ बूस्टर डाल दिया और उसके साथ साथ देखा जाए तो क्या है इसमें कम से कम जो है आपको 15 ml क्या डालना है, एक्टिवेटर। ठीक है, तो 15 ml एक्टिवेटर हम डालने से पहले इसको हल्का सा मिला लेते हैं और उसके बाद जो है इसकी मात्रा हम ले लेते हैं 15 ml। तो डियर फ्रेंड, हमने ले लिया 15 ml, अब इसको हम इसमें अच्छी तरीके से डाल देते हैं क्योंकि ये क्या काम करता है, ये स्प्रेडर का काम करता है। उसके बाद देखा जाए तो क्या है, इसके बाद हम इसमें पूरी मात्रा में पानी डाल देते हैं और पानी हम जो है पूरी तरीके से इसमें हम डाल लेते हैं। ये पूरी टंकी को जो है हम अच्छी तरीके से भर लेंगे। अब इसमें हम जो है पूरा पानी डाल देते हैं, हमारे पास जो है पानी है पर्याप्त मात्रा में अलग से, जिससे ये पूरी टंकी भर जाएगी। ठीक है, तो अभी देखा जाए तो हमने टंकी को भर लिया अच्छी तरीके से। अभी इसका जो है हम कैप लगा देते हैं और इसको इस तरीके से हम बंद कर देते हैं। चलिए, अब जो है हम इसको कैसे स्प्रे करेंगे, इसको हम जी, तो दोस्तों इसको हम इस तरीके से इसको स्प्रे करेंगे और स्प्रे